जी, दिस इज़ द फोर्थ क्लिप ऑफ वीक 7 CA। अच्छा, अब हम ज़रा आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जी हमारे पास जो फेच रूटीन है वो क्या है। अच्छा, फेच रूटीन से पहले मैं आपको एक सैम्पल माइक्रो प्रोग्राम दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, हम लास्ट लेक्चर से बात करते आ रहे हैं कि जी हमारा जो माइक्रो प्रोग्राम है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सब प्रोग्राम्स। अब अगर आप यहाँ पर देखें कि ये लाइन नंबर 0, अच्छा मैं ज़रा बता दूँ ये है क्या। अच्छा देखें, ये हमारे पास एड्रेस पार्ट है, एड्रेस डेसिमल भी और बाइनरी भी है। एक्चुअल तो होता बाइनरी में, सिर्फ आपको समझाने के लिए डेसिमल में ये बने। फिर यहाँ पर ये तमाम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। और लाइन नंबर 0 से, अगर एड्रेस नंबर 0 से एड्रेस नंबर 3 तक देखें, तो ये हमारे पास ऐड की रूटीन है। आप जाके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो हमने F1, F2, F3 पढ़े हैं, CD और BR की वैल्यूज़ पढ़ी हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। और वहाँ पर आप देख के ये भी एनालाइज कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कि जी कैसे काम हो रहा है। तो हम इनमें से एक को पढ़ेंगे, फेच को। तो यानी ये दिखाने का आपको अभी फ़िलहाल मकसद क्या है, ये मकसद ये है कि ये आपके पास जो आपका पूरा माइक्रो प्रोग्राम है, इट इज़ बीन डिवाइडेड इंटू सेवरल स्मॉलर सब प्रोग्राम्स। और हर प्रोग्राम पे हम कैसे आएंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा मैपिंग से आएंगे। और मैपिंग कैसे करते हैं, मैपिंग हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, ठीक है। उसमें हम ज़रा वापस आते हैं और हम फेच की फेच पे हमारी एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, उस पर हम चले जाते हैं और देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, ये स्टेप्स आपको थोड़ा बहुत याद आएंगे। पहले मैं आपको बता दूँ फेच रूटीन है क्या या फेच सब प्रोग्राम क्या है। आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 थोड़ा सा याद दिला दूँ। हमने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल पढ़ी थी, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल का जो पहला स्टेप था वो ये था कि हम इंस्ट्रक्शन को फेच करके लाते हैं, ठीक हो गया। अब जब हम इंस्ट्रक्शन को फेच करके लाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि मेरे पास यूज़र प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है वो पड़ी हुई है, यूज़र मेन मेमोरी में पड़ी हुई है, यानी रैम में पड़ी हुई है। यूज़र प्रोग्राम की बात कर रहे हैं अभी, हम कंट्रोल यूनिट के प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे, हम यूज़र के प्रोग्राम की, जो कोड आप लोगों ने लिखा है और मुख्तलिफ कोड्स आप लोग लिखते हैं। जो मेरा माइक्रो प्रोग्राम है वो एक दफ़ा लिखा हुआ है और उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, और वो रोम में पड़ा हुआ है। तो हम यूज़र प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो उसकी एक इंस्ट्रक्शन को लाने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स करने पड़ते थे। अगर आपको याद हो, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल का हमने फ्लो चार्ट देखा था, उसमें कुछ स्टेप्स थे। और वो स्टेप्स कुछ ये थे कि हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने हमारा जो यूज़र प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस जो होता था वो पड़ा होता था प्रोग्राम काउंटर में, पड़ा होता था प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। आपको याद होगा, ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। तो वो हमने स्टेप्स यहाँ पर लिखे हैं। प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस पड़ा था हम AR को देते थे, ठीक हो गया। अच्छा, और नेक्स्ट स्टेप में आपको आपको याद हो, T1 में जब हम आते थे तो हम क्या कर देते थे, PC को इंक्रीमेंट कर देते थे, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए तैयार कर देते थे, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस के लिए हम तैयार कर देते थे। और यहाँ पर हम क्या करते थे, जो एड्रेस हमें यहाँ पर PC से वैल्यू मिली है वो हम यहाँ पर डालते थे, मेमोरी में देखते थे, और इसको हम IR में डाल देते थे। ये मैंने एडिट नहीं किया क्योंकि मैंने ऐसे डायरेक्टली आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक, लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, ये IR में जाता है, ये आप लोग करेक्ट कर लें, ठीक है। तो मेरे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये मेरे पास यूज़र प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन चली गई है, ये आपको याद होगा। अच्छा, ये बात हमें समझ आ गई। और फिर हम क्या करते थे, हम उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, क्लियर हो गया। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें मिलती जुलती नज़र आ रही हैं मैप से, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मैपिंग स्टार्ट करेंगे। यानी मैं एक इंस्ट्रक्शन को फेच करके लाया, फेच करने के लिए मुझे ये इन दो स्टेप्स की ज़रूरत पड़ी। और जब मैंने इंस्ट्रक्शंस को फेच कर लिया तो अब मैंने क्या करना है, उसे डिकोड करना है, डिकोड। और डिकोड कैसे मैं करूँगा, मैं उसके ऑपकोड को कार के इस वाले एड्रेस में डाल दूंगा और ये वाली एड्रेसेस मैं यहाँ पर 0 लगा दूंगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, उस सब रूटीन का एड्रेस बन जाएगा जिस सब रूटीन पर वो एक इंस्ट्रक्शन है। फॉर एग्जांपल, जो मैंने इंस्ट्रक्शन फेच की है, अगर वो इंस्ट्रक्शन ऐड की इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन किसकी इंस्ट्रक्शन है, ऐड की इंस्ट्रक्शन है, तो मेरे पास यहाँ पर जो ऑपकोड आ जाएगा ऐड का आ जाएगा, ये IR होगा, ये मेरे पास कार में चला जाएगा, ये ऊपर आपको नज़र आता होगा। और फिर मैं ये करके मेरे पास जो कार की तमाम 7 बिट्स फुल हो जाएंगी और मेरे पास एक एड्रेस आ जाएगा, और वो एड्रेस मेरी ऐड की सब रूटीन का एड्रेस होगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये IR की जो 11 बिट्स हैं, चैप्टर नंबर 5 के मुताबिक 12 बिट्स होंगी, ये चली जाएंगी AR में। ये मेरे ऑपरेंट का एड्रेस है जिस पे मैंने क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
तो यानी इन स्टेप्स के साथ मैं क्या कर सकूंगा, मैं एक इंस्ट्रक्शन को फेच करके लाऊंगा और मैप करके मैंने किस सब रूटीन पे जाना है वो बताऊंगा। अब ये वाला काम चैप्टर नंबर 5 में भी हमने देखा था, सिवाय लास्ट स्टेप के मैपिंग के अलावा यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये काम मेरा माइक्रो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा ये अभी हमने देखना है। ठीक हो गया, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ये समझना है कि ये मेरा काम, मेरा माइक्रो प्रोग्राम यानी मेरा कंट्रोल यूनिट कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा ये वो सारी बातें जो ऊपर की गई हैं ये वही लिखी गई हैं। अच्छा यहाँ से अब हम ज़रा अपने माइक्रो प्रोग्राम को देखते हैं, बिकॉज मेरे माइक्रो प्रोग्राम ने बाइनरी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है। अच्छा अब अगर आप देखें मेरे पास ये एड्रेस है, मेरे पास F1 की वैल्यू क्या है 110, F2 की वैल्यू है 000, F3 की वैल्यू 000 है, CD की वैल्यू 00 है और मेरे पास BR की वैल्यू 00 है। AD पे हम जाएंगे बाद में, तो ज़रा हम जल्दी से F1 की वैल्यू देखते हैं कि F1 में अगर 110 हो तो हमारे पास इसका क्या मीनिंग है। मेरे पास अगर F1 में 110 हो तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास क्या है, मैं AR की वैल्यू PC की वैल्यू AR में मूव करूँगा। ठीक हो, ये हमने देख लिया। और बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि हम PC की वैल्यू AR में मूव कर रहे हैं, यानी मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ रहा है और मेरे पास F2 और F3 की वैल्यू ज़ीरोज़ हैं, तो यानी उधर मैं क्या करूँगा, उधर मैं नन करूँगा, कोई भी काम नहीं करूँगा। आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, तो यानी मेरा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। लेकिन मेरे पास यहाँ पर CD की वैल्यू क्या है 00 और मेरे पास BR की वैल्यू भी है 00। CD 00 होने का मतलब है इट इज़ ऑलवेज़ 1 और BR 00 होने का मतलब है कि मैंने जंप लगानी है। कहाँ पर जंप लगानी है, जहाँ पर AD है। तो मैं हम ज़रा देख लेते हैं वहाँ पर एड्रेस कौन सा मेंशन हुआ है। अच्छा यहाँ पर जो एड्रेस मेंशन हुआ है 1 all 0s 1, ये एक्चुअली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का है। तो यानी इन आइदर केस मेरी कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है तो मेरे पास मैं नेक्स्ट लाइन पे ही जाऊँगा। ठीक हो गया, तो मेरी जंप अगर लगेगी भी तो वो नेक्स्ट लाइन पे लगेगी। क्लियर, तो यहाँ पर ऐसा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास CD या BR की क्या वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं जब अब सेकेंड लाइन पर आ गया हूँ, सेकेंड माइक्रो इंस्ट्रक्शन में आ गया हूँ, तो इसमें F1 की वैल्यू ऑल ज़ीरो है, F2 की वैल्यू 100 है और F3 की वैल्यू 101 है। तो हम देखते हैं 100 और 101 F2 और F3 में 100 है। ठीक हो गया जी, हम यहाँ पर आ गए F2 में, हमने 100 में देखा, तो हमारे पास जो एड्रेस हमें मिला था यहाँ से PC से AR में, उस एड्रेस को हम मेमोरी में लेके जाएंगे और उसमें जो भी चीज़ पड़ी है कहाँ पर लोड कर देंगे, IR में। यहाँ पर DR लिखा है लेकिन एक्चुअली IR में लोड कर देंगे। और हमारे पास यहाँ पर PC क्या हो जाएगा, 101 पे क्या लिखा है, PC की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम फेच का वही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। ये चीज़ें पहले से प्री डिफाइंड हैं और ये तमाम की तमाम चीज़ें पहले से यहाँ पर लिखी हुई हैं, यानी ये मेरा माइक्रो प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर भी CD की वैल्यू 00 है यानी जंप लगनी है और BR की वैल्यू 0 है यानी कंडीशन ट्रू होगी तो जंप लगेगी, या ऑलवेज़ 1 है तो मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा इस लाइन पे। और ये भी यहाँ पर वही लाइन है यहाँ पर, यानी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, हमने हर केस में कहाँ पर जाना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है। ठीक, और मेरे पास यहाँ पर F1 की वैल्यू अब 101 है और F2 और F3 की वैल्यू ऑल ज़ीरोज़ हैं। तो हम ज़रा यहाँ पर देखते हैं कि अगर मेरे पास हो तो यहाँ पर देखें, जब मेरे पास 101 है तो मेरे पास DR में, यानी मैं ऑपरेंट का एड्रेस कहाँ पर डाल दूंगा, AR में, ताकि इस पर मैं फिर फर्दर ऑपरेशंस कर सकूँ। बाकियों में नन है, बाकियों पे नन है। अच्छा अब ज़रा इंटरेस्टिंगली यहाँ पर हमारे पास जो BR की वैल्यू है 11 है और CD की वैल्यू 00 है। अगर मेरे पास BR की वैल्यू 11 होती है, इसका मतलब है कि मैंने क्या करना है, कार यानी मैंने मैपिंग करनी है। ठीक है, मैंने नई इंस्ट्रक्शन की रूटीन पर जाना है, तो वो प्रोसीजर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखें, हमने जो यही काम हमने किया था चैप्टर नंबर 5 में और अभी ये काम हम कर रहे हैं, तो तब हम ये कह रहे थे कि जी ये चीज़ें होंगी, लेकिन कैसे होंगी ये अब हमें समझ आ रही है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मेरे माइक्रो प्रोग्राम में प्री डिफाइंड हैं। और जब भी एक इंस्ट्रक्शन फेच करनी होती है तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल, मैं आपको याद दिला दूँ, फेच डिकोड एग्जीक्यूट है। तो जब भी मेरी कोई भी इंस्ट्रक्शन फेच होगी तो उसके साथ ये स्टेप्स होंगे,
और ये कैसे होंगे, ये मेरे माइक्रो प्रोग्राम की एक ख़ास रूटीन है, फेच रूटीन, उस पे डिक्लेयर हुए हैं मैं, इट इज़ ऑलवेज बीन डिक्लेयर, ठीक है, ये प्री रिटर्न है, प्री डिफाइंड है। तो ये सारे के सारे काम होंगे और मेरे पास हर दफ़ा जो मेरी एक माइक्रो इंस्ट्रक्शन फेच होगी वो इस तरह होगी। और ये साइकिल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये रिपीटेडली हर इंस्ट्रक्शन पे होगा। हमारा क्लिप नंबर 4 यहाँ पर ख़त्म होता है, हमारा एक क्लिप रहता है क्लिप नंबर 5, वो एक ब्रीफ क्लिप होगा। हम अभी यहाँ पर क्लिप नंबर 4 को एंड करते हैं। थैंक यू।